सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। किंग्स इलेवन पंजाब की सह मालिक प्रीति जिंटा अपनी टीम का हर मैच देखने के लिए मैदान पर जाती है। मैच के दौरान वो अपने हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती हुई नजर आती हैं। आईपीएल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कुछ ऐसा ही हाल था। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इस मैच में अपने सबसे खतरनाक खिलाड़ी क्रिस गेल को मौका दिया था। जब गेल शॉट्स लगा रहे थे तब उनकी टीम के सह मालिक प्रीति जिंटा के रिएक्शन देखने लायक थे। प्रीति जिंटा की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने मैच के बाद गेल को खुशी से अपने गले लगा लिया। एक वक्त था जब नीलामी के वक्त क्रिस गेल के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाना चाहता था। आईपीएल 2018 के लिए हुई नीलामी प्रक्रिया में गेल को ना ही उनकी पुरानी टीम ने रिटेन किया और ना ही कोई दूसरी टीम उन्हें खरीदना चाहती थी। तीसरी बार नाम की घोषणा करने के बाद गेल के ऊपर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से प्रीति जिंटा ने भरोसा जताया और उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। गेल ने भी प्रीति जिंटा को निराश नहीं किया और पहले ही मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करके मैन ऑफ द मैच बने, जिसके बाद प्रीति जिंटा ने उन्हें गले लगा लिया। वहीं एक वक्त था जब प्रीति युवराज सिंह को गले लगाया करती थी। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।